स्मिथ विगल्सवर्थ की जीवन यात्रा सन 1859 से लेकर 1947 तक, गवाहों का बादल भाग 1 से 5 तक का संशोधित संस्करण डॉक्टर सौरभ पंडोरिया द्वारा लिखित, आइए सुने। जॉन एवं मार्था विगल्सवर्थ स्मिथ के माता पिता थे। स्मिथ का जन्म 8 जून 1859 को इंग्लैंड के मेंस्टपन गांव में हुआ था। स्मिथ का परिवार निर्धन था। उसकी एक बहन और दो भाई थे। परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण सिर्फ 6 वर्ष की आयु में स्मिथ बचपन से ही एक खेत में शलगम उखाड़ने का कार्य करने लगा। वह अपने पिता के साथ एक कपड़े की मिल में जाया करने लगा। उनके माता पिता मसीही नहीं थे, परंतु उसकी दादी एक मसीह थी जो जॉन वेस्ली की अनुयायी थी, जिनकी संगति में रहने से स्मिथ के जीवन में प्रभु को पाने के प्रति लगन बढ़ गई। वह 8 वर्ष की उम्र होने तक चर्च में गीत गाने लगा और परमेश्वर को पहचानने में आगे बढ़ गया और उद्धार के अनुभव में आ गया। युवावस्था में आने तक वह आत्माओं को बचाने में अनुभवशील हो गया। स्मिथ ने 13 वर्ष की उम्र में वेस्ली मत के मेथोडिस्ट चर्च की सदस्यता ली और पूर्ण लगन के साथ उसके साथ काम करने लगा। वह बड़ा उत्साहित और आनंदित तब हुआ जब उसे यह पता चला उनके बीच में आत्मा बचाने वाले मिशन सल्वेशन आर्मी ने कार्य आरंभ किया है। वह उसे प्रभावित होकर उनके साथ कार्य करने लगा और पूर्ण रात्रि प्रार्थना करता और आत्माओं को बचाने में आगे बढ़ने लगा, क्योंकि सल्वेशन आर्मी का कार्य ही यह था। इस मिशन के लोग बड़े सामर्थी थे व अधिकार पूर्वक कार्य करते थे। जब स्मिथ 17 वर्ष का हुआ तब उसने बपतिस्मा लिया और साथ ही प्लम्बर का कार्य पूर्ण रूप से सीख गया। वह अपना कार्य करने में निपुण था, अतः उसने परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर होकर नगर में बच्चों की सेवकाई प्रारंभ कर दी। उसके साथ सैकड़ों बच्चे जुड़ गए। वह अपनी जमा होने वाली इन आमदनी से दरिद्र व फटे कपड़े वाले लड़के लड़कियों की सहायता करता, उन्हें कपड़े और भोजन देता। उसे सल्वेशन आर्मी सभाओं में प्रचार करने आमंत्रित करते थे। उसका इस तरह टूटना उसके सामर्थ्य होने का एक रहस्य था और यही टूटापन लोगों को प्रभु के पास लाता था। 1882 में स्मिथ का विवाह नया जन्म पाई 22 वर्षीय पॉली के साथ हुआ। स्मिथ पॉली से 1 वर्ष बड़ा था। स्मिथ दंपत्ति ब्रेडफोर्ड नामक इलाके में रहते थे और वहां कोई चर्च नहीं था, इसलिए उन्होंने एक भवन लेकर संस्था प्रारंभ की और इसका नाम ब्रेडफोर्ड स्ट्रीट मिशन रखा। उसकी पत्नी वहां प्रचार करती और वह अंत में प्रार्थना करता। वह प्लम्बर का कार्य करता और उसकी पत्नी प्रचार का। वह मशहूर और सामर्थ्य प्रचारिका हो गई थी। अपनी पत्नी के द्वारा ही स्मिथ का जीवन सेवकाई की आग से पूर्णकालिक रूप से जल उठा। स्मिथ के जीवन में पहला चंगाई का व्यक्तिगत अनुभव 1900 के प्रारंभ में मिला। बचपन में स्मिथ को हेमोराइड की शिकायत थी। उसके लिए एक प्रवासी प्रचारक ने प्रार्थना की और वह विश्वास के द्वारा पूर्ण रूप से चंगा हो गया। इस समय तक स्मिथ ने अपना समर्पण पूर्ण रूप से चंगाई की सेवा के लिए कर चुका था, परंतु उसके मन में यह शंका थी कि परमेश्वर ब्रेडफोर्ड में भी उसके द्वारा चंगाई कर सकता है। वह लिट्स नाम स्थान में रहता तो बहुत लोग उसके द्वारा ईश्वरीय चंगाई को प्राप्त करते थे, इसलिए लिट्स के अगुए ने यह सोचा कि स्मिथ को सार्वजनिक सेवकाई के लिए आगे आना होगा और उन्होंने एक कन्वेंशन में स्मिथ को मंच संचालन के लिए खड़ा कर दिया। स्मिथ ने सोचा कोई ना कोई व्यक्ति प्रचार करेगा ही, परंतु वहां कोई नहीं आया। अब स्मिथ ने ही प्रचार किया। सभा के अंत में 15 लोग मंच के सामने खड़े थे, उनमें एक व्यक्ति बैसाखी पर था। स्मिथ ने प्रार्थना किया और वह व्यक्ति बैसाखी छोड़कर कूदने फांदने लगा। लोग चंगे हो गए। स्मिथ आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहा था। उसने इस सभा के बाद तुरंत ब्रेडफोर्ड में एक सभा का आयोजन किया और वहां पर भी आश्चर्यजनक चंगाइयां हुई। उसने प्रभु यीशु को दर्शन में पहली बार अपने मित्र की मरणासन पत्नी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। जब उसने प्रार्थना की तब देखा अचानक प्रभु यीशु प्रकट हुए। उसने खुली आंखों से उन्हें ध्यान से देखा। उन्होंने उसकी ओर देखकर अपनी विनम्रशाली मुस्कान बिखेरी। जब यह प्रार्थना समाप्त हुई तो वह मरणासन स्त्री पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी। स्मिथ ने अन्य भाषा बोलने वालों की बातें सुनी और वह इसे पाने के लिए ललायित हो गया। श्रीमती बॉन्डी के घर गया
और उनसे निवेदन किया कि वे उसके लिए सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। उसके वापस जाने से पहले श्रीमती बाड्डी ने सरल किंतु सामर्थ्यशाली प्रार्थना की और कमरे से चली गई। इसके बाद स्मिथ पर मानो आग गिरी और स्मिथ ने दर्शन में देखा एक खाली कुर्सी है और यीशु महिमा के साथ परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। और आराधना स्तुति करने स्मिथ ने मुंह खोला और वह अन्य भाषा बोलने लगा। अब वह समझ गया कि पूर्व में एक बार उसका अभिषेक हुआ था, परंतु अब पेंतिकोस के दिन समान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। वह वापस घर न जाकर सीधे चर्च गया। वहां प्रचार चल रहा था। उसने बीच में ही रोककर अपनी गवाही दी और प्रार्थना की। वहां तुरंत 50 लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा गए। कुछ दिनों के बाद स्मिथ की पत्नी पॉली को भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया और अब वे दोनों सामर्थ्य रूप से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। अब स्मिथ प्रार्थना और उपवास का आदी हो गया और उसने प्लम्बर का काम आखिरी बार निशुल्क किया और पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित हो गया। परमेश्वर ने भी उसके विश्वास को जिंदगी भर पूरा होने दिया। 1913 को स्मिथ की पत्नी पॉली को दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसी। स्मिथ ने वहां पहुंचकर मृत्यु को डांटा। तुरंत प्रभु ने उससे कहा, अब समय आ गया है कि हम मेरे साथ रहे। पॉली की मृत्यु के बाद स्मिथ ने प्रभु से दोहरे अभिषेक की मांग की और स्मिथ और भी सामर्थ्य रूप से प्रभु की सेवकाई करने लगा। स्मिथ की सामर्थ्य सेवकाई का दूसरा रहस्य स्मिथ का विश्वास था। वह कहता था, मैं जो देखता और सुनता हूं उसका मुझ पर असर नहीं पड़ता, परंतु मैं जो विश्वास करता हूं उसका मुझ पर असर पड़ता है। जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ता गया, उसे प्रभु ने सिखाया विश्वास पर अमल करना चाहिए। स्मिथ जानता था कि पवित्र आत्मा को कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है। यह अहंकार और हट से नहीं, विश्वास से संभव था। स्मिथ विगल्सवर्थ अत्यंत उदारता और तरस से भरा व्यक्ति था। यह उसकी सामर्थ्य का तीसरा रहस्य था। जब स्मिथ को विश्व के विभिन्न भागों से प्रार्थना के निवेदन पत्र मिलते थे, तो वह मध्यस्थ होकर तरस से भर कर रोने लगता था। सेवकाई के दौरान उसकी आंखों में आंसू बहते देखे जा सकते थे। स्मिथ की अंतरराष्ट्रीय सेवकाई 1914 में प्रारंभ हुई और 1920 तक पूरे वेग के साथ फैलती गई। सेवकाई के दौरान कई बार वे अनेक लोगों के द्वारा सताए गए। 1920 में स्वीडन के चिकित्सकों ने चंगाई सभा में लोगों पर हाथ रखने से उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे ना रुके। उसी वर्ष वे स्वीडन में गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर बिना लाइसेंस चिकित्सा करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार उनकी 2-3 बार गिरफ्तारी हुई, परंतु परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने इस दौरान यूरोप, अमेरिका, कोलंबो, श्रीलंका, 1921-1922 में वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए। उनके जाने पर वहां बड़ी जागृति आई। माना जाता है ये जागृति उन जगहों में अब तक नहीं देखी गई थी। स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई के दौरान अनेक कलीसियाएं रोपित हुई, परंतु वे किसी खास संस्था से जुड़कर नहीं रहे। विश्व स्तर की सेवकाई करने पर उन पर कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए, जिनमें व्यभिचार का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने इस पर ध्यान ना देते हुए अपनी बेटी को अपने साथ सेवकाई में ले जाना प्रारंभ किया। उनकी एक बेटी और 4 बेटे थे। 1930 में स्मिथ 70 वर्ष के हो गए थे। उनको इस आयु में पथरी हो गई थी। तब उन्हें डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, परंतु उन्होंने मना कर दिया और परमेश्वर का पूर्ण विश्वास किया। उनकी पथरी का दर्द अत्यंत बढ़ गया। वे अपने बिस्तर से उठकर बार बार लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते। धीरे धीरे करके पथरी 100 टुकड़ों में टूट कर निकली। दर्द को 2 वर्ष तक सहते रहे और उन्होंने परमेश्वर से सेवकाई को नए तरीके में प्रारंभ करने 15 वर्ष की मांग की। प्रभु ने मांग पूरी कर दी। इन वर्षों में उन्होंने यूरोप, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका में सेवकाई हेतु प्रयास किया। 12 मार्च 1947 को भाई स्मिथ विगल्सवर्थ प्रभु के पास चले गए। वे अपने जीवन काल में प्रभु के वचन का प्रचार निडर होकर सामर्थ्य के साथ प्रभु की अधीनता में करते रहे। उन्होंने विश्व के चंगाई के प्रचारक सेवकों को यह सिखाया, विश्वास प्लस तरस बराबर आश्चर्य कर्म।